स्वादिष्ट। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। वैसे हम इंडियंस बड़े ही वर्क वाले होते हैं, सर्विस ने तो ये प्रूव भी कर दिया, बट टाइम फॉर अ लिटिल फन एंड मेक सम मनी विद इट। मैं हूं मयूर और आप खेल रहे हैं ब्रेनबाजी मिनी। जीतू मैं जीते इंडिया। और ब्रेनबाजी मिनी है तो 5 क्वेश्चन मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा और हर क्वेश्चन के होंगे 3 ऑप्शन और हर क्वेश्चन का जवाब देने के मिलेंगे आपको 10 सेकंड। और अगर आप सारे सवालों का सही जवाब देते हैं तो आप जीत जाएंगे आज के प्राइज मनी में से अपना हिस्सा विच इज 20,000 रुपीज। Well, गलत जवाब वैसे आपको पीछे छोड़ सकता है, बट डोंट वरी, आपकी कमाई हुई लाइव्स आपको आगे बढ़ने का एक मौका जरूर देगी, लेकिन एक ही मौका मिलेगा। पर लाइव्स आएंगी क्वेश्चन नंबर 4 से, वो है हमारा कल नायक सवाल। चाहे आप इस गेम का हिस्सा हो या ना हो, आप इस सवाल को खेल सकते हैं। अगर आप इसका सही जवाब देते हैं बिना लाइफ यूज किए तो आप जीत जाएंगे एक एक्स्ट्रा लाइफ, जो आप किसी भी ब्रेन बाजी या पोल बाजी गेम में यूज कर सकेंगे। और 3 का 30 ऑफर अभी भी चल रहा है। अगर आप अपने 3 दोस्तों को ये बोलते हैं कि BaaziNow ऐप डाउनलोड कर लो आपका रेफरल कोड यूज करके, और वो अगर ब्रेन बाजी, बिंगो बाजी या पोल बाजी में से कोई भी गेम पहली बार खेल लेते हैं, तो आप जीत जाएंगे 30 रुपए आपके ई वॉलेट्स में। तो जितने ज्यादा दोस्तों को बताएंगे उतना ही ज्यादा इनाम पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का गेम। 20,000 करीब 20,000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का वेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ूंगा आपके लिए, आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। इनमें से कौन सी इंडियन माउंटेन रेंज सदर्न मोस्ट है, अरावली, विंध्या या सतपुड़ा? इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन रेंज हिमालयाज है, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट को एशिया से अलग करता है। ऑप्शंस में अरावली रेंज दिल्ली से शुरू होती हुई गुजरात तक जाती है। अरावली शब्द संस्कृत के गुजरात तक जाती है। अरावली शब्द संस्कृत के गुजरात तक जाती है। अरावली शब्द संस्कृत के में मतलब है 100 पर्वत। Now let's see, कितने लोगों ने दिया सही जवाब? 4,000 से भी ज्यादा लोगों ने दिया है इसका सही जवाब, और 7,500 से भी ज्यादा लाइफ यूज करके हमारे साथ बढ़ रहे हैं 11,700 से भी ज्यादा लोग। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो मैं लाया हूं आपके लिए, आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। 5 सितंबर न केवल भारत में टीचर्स डे होता है, ये वर्ल्ड डैश डे के रूप में भी मनाया जाता है। समोसा, मसाला चाय या ढोकला? इंसानों और फीलिंग्स के नाम पर स्पेशल डेज होते हैं, और वो चीज जो आपको हमेशा खुश रखेगी यानी फूड, उनको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे कि 16 जनवरी इंटरनेशनल हॉट एंड स्पाइसी फूड डे होता है, ओह माय गॉड, और 7 जुलाई वर्ल्ड चॉकलेट डे, मतलब पूरा दिन चॉकलेट्स, वाओ, और 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे होता है इन जनरल। जवाब आ चुके हैं, द राइट आंसर इज समोसा। सो वर्ल्ड समोसा डे 5 सितंबर को होता है और वर्ल्ड टी डे होता है 15 दिसंबर को, वेरी क्लोज टू माय बर्थडे ऑफ कोर्स। और वर्ल्ड ढोकला डे होता है, नहीं होता है वर्ल्ड ढोकला डे। ओके, 3,500 से भी ज्यादा लोगों ने दिया इसका सही जवाब, और 1,600 से भी ज्यादा लाइक यूज करके हमारे साथ बढ़ रहे हैं आगे 5,000 से भी ज्यादा लोग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं लाया हूं आपके लिए, स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। इनमें से किस इंडियन स्पीशीज का नाम उसके छींकने की आवाज से आता है, बार्किंग डियर, चिंकारा गजेल या चौसिंघ एंटेलोप? नेमिंग एन एनिमल ऑन द साउंड दे मेक, जैसे हम छोटे बच्चों को बोलते हैं ना कि बेटा दैट्स म्याओ म्याओ, बेटा दैट्स बाव बाव, वैसे ही जस्ट लाइक उसका भी नाम ऐसे ही पड़ गया होगा आई थिंक। चलो लेट्स सी कि ये तीनों दिखते कैसे हैं। ये देखिए, ये है बार्किंग डियर, और ये चिंकारा गजेल है, लुक एट द हॉर्न्स दे हैव, उसके बाद चौसिंघा एंटेलोप, लुक एट देम, सो क्यूट। ओके, जवाब भी आ चुके हैं, द करेक्ट आंसर इज चिंकारा गजेल। चिंकारा गजेल राजस्थान में मिलता है, और जब ये डर जाता है तो छींकने की आवाज निकालता है, जिसे राजस्थान की लोकल लैंग्वेज में छिकला बोलते हैं। ऑलराइट, 2000 से भी ज्यादा लोगों ने दिया इसका सही जवाब, और 300 से भी ज्यादा लाइफ यूज करके बढ़ रहे हैं हमारे साथ बहुत सारे लोग। बट ये आने वाला सवाल जो होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 4, कल नायक सवाल, इसे खेलेंगे 20,000 से भी ज्यादा लोग। अगर आप इसका सही जवाब देते हैं बिना लाइफ यूज किए तो आप जीत जाएंगे एक एक्स्ट्रा लाइफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। इनमें से कौन सी इंडियन पॉलिटिशियन रॉयल सिंधिया फैमिली की मेंबर है, वसुंधरा राजे, प्रतिभा पाटिल या सुमित्रा महाजन? सिंधिया फैमिली एक हिंदू मराठा डायनेस्टी है जो ग्वालियर स्टेट को रूल करती थी। अंटिल शॉर्टली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, ग्वालियर स्टेट मॉडर्न डे मध्य प्रदेश का एक हिस्सा हुआ करता था। इंडिपेंडेंस के बाद ग्वालियर स्टेट अलॉन्ग विद अदर प्रिंसली स्टेट्स बना मध्य भारत, और तब
सिंधिया फैमिली के मेंबर्स ने पॉलिटिक्स में कदम रखा। 1956 में कुछ और स्टेट्स को मिलाकर मध्य भारत बना मध्य प्रदेश, अ न्यू इंडियन स्टेट। जवाब आ चुके हैं, द राइट आंसर इज वसुंधरा राजे। सो वो विजया राजे सिंधिया की बेटी हैं, हु वाज द राजमाता ऑफ ग्वालियर एंड अ प्रोमिनेंट फिगर इन इंडियन पॉलिटिक्स। 10,800 से भी ज्यादा लोगों ने दिया इसका सही जवाब बिना लाइफ यूज किए, तो आप जीत चुके हैं एक एक्स्ट्रा लाइफ। मुबारक हो आपको, 104 लाइफ यूज करके हमारे साथ कुल 2,280 लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि आखिरी सवाल, ध्यान से खेलिएगा। आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, इनमें से कौन सा मॉन्यूमेंट एक स्पाउस के सम्मान में नहीं बनाया गया था? रानी की वाव, हुमायूं का मकबरा या अकबर का मकबरा? रानी की वाव गुजरात के पाटन में स्थित एक स्टेपवेल है। रानी की वाव मतलब रानी का स्टेपवेल। इट इज सच ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्टेड, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है। लुक एट दिस, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सो ब्यूटिफुल। और अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जो कि आगरा में ही पड़ता है, पर ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। लुक एट दैट, सो ब्यूटिफुल। ऑलराइट, जवाब आ चुके हैं, द करेक्ट आंसर इज अकबर का मकबरा। तो रानी की वाव को रानी उदयमती ने बनवाया था इन मेमोरी ऑफ हर लेट हस्बैंड किंग भीमा वन। हुमायूं का मकबरा उनकी वाइफ एम्प्रेस बेगा बेगम ने तैयार करवाया था, और अकबर का मकबरा खुद शहंशाह अकबर ने ही प्लान किया था। ऑलराइट, 1,135 लोगों ने दिया इसका सही जवाब, और आखिरी क्वेश्चन पर 139 लोगों ने कर ली है लाइफ यूज, तो हमारे आज के कुल विजेता बनते हैं 1,274 लोग। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, आपके लिए सेलिब्रेशंस। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी लोग जीत चुके हैं आज का ब्रेनबाजी मिनी एडिशन। तो अगर खुश हो तो बहुत जरूरी है कि आप खेलते हुए एक फोटो ले लो और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर बाजी नाव के नाम से भी ढूंढ लो, बाजी विद डबल ए, और हैशटैग ब्रेनबाजी के साथ जो फोटो ली है उन सभी को टैग कर दो ताकि हम आपको ढूंढ सके। और ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर जाकर बाजी नाव आपको 5-star रेटिंग जरूर देना, साथ ही साथ अपना आप भी अपडेट कर लेना। चलिए देखते हैं कौन कौन जीते आज का ब्रेनबाजी मिनी एडिशन। गुरिंदर, टिंकू, रवि, राजेंद्र 1705, अनुभव गर्ग, ऋषि Ads 58, साहिल डॉन, ओके, टोनू सिंह, संजीव कुमार पल्लवी, रिद RDDH, आई थिंक, ओके, बहुत सारे लोग, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, आपको ₹15 मुबारक हो। और अगर आप और जीतना चाहते हैं तो आज के शोज में बता देता हूं आपको कौन कौन से हैं। 3 बजे आप खेलेंगे पोल बाजी, उसके बाद 4:30 बजे बिंगो बाजी, और 8:30 बजे फिर से ब्रेन बाजी, और फिर 9 बजे पोल बाजी आप सभी के लिए, जस्ट फॉर यू। कितने सारे शोज, कितने सारे जीतने के मौके, तो खेलते रहिए क्योंकि खेलेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। और चीट कोड लेकर अभी मिलता हूं मैं आपसे। You know, spices bring such good flavor to everything, including my tea. मैं हूं मयूर और आ गया हूं बातों ही बातों में एक चीट कोड देने के लिए, so listen carefully. मसाले स्वादिष्ट खाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। कुछ मसाले तो सिर्फ इंडिया में ही मिलते हैं, और वो भी स्पेसिफिक प्लेसेस में, स्पेसिफिक जगहों पे। बट यू नो, जब मैं छोटा था तब मुझे लगता था कि हल्दी जो है वो हल्दी घाटी से आती है, जहां हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। बट नहीं, हल्दी घाटी उसे सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां की सॉयल का कलर येलो होता है, एंड दैट वाज अ मिथ बस्टर फॉर मी। एनीवेज, मैंने दे दिया आपको एक चीट कोड बातों ही बातों में, इसे आने वाली ब्रेनबाजी गेम में याद रखना, बहुत बहुत काम आएगा। अभी के लिए चलता हूं, टेक केयर एंड सी यू सून। ब्रेनबाजी चीट कोड।